कॉमन एंट्रेंस टेस्ट जो पंजाब के कैंडिडेट्स या पंजाब के बाहर के कैंडिडेट्स ने देना है, जो पंजाब में कॉलेजेस हैं बीएड के उनमें एडमिशन लेने के लिए, उनके लिए कॉमन एंट्रेंस टेस्ट में मिनिमम कितने मार्क्स गेन करने होंगे? ये है कि मिनिमम मार्क्स फॉर जनरल कैटेगरी जिसको क्वालिफाइंग मार्क्स कहा गया है, मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स वो हो गए 25% जनरल कैटेगरी के लिए, और 20% गेन करने होंगे एससी एसटी कैटेगरी को। याद रहे यहां पर बीसी कैटेगरी का कोई जिक्र नहीं है। जो ये इंस्ट्रक्शन है, ये इंस्ट्रक्शन गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी को जो नोटिफाई किया है वहां से बता रहा हूं। ये बात समझ लेनी चाहिए कि अगर आप 25% गेन कर लेते हैं तो इसका मतलब सीट शोर हो गई है, ये नहीं है। इसका मतलब है कि जो इससे कम मार्क्स लेता है वो बीएड में एडमिशन लेने के लिए योग्य नहीं है। हाँ, ये बात डिफरेंट है, मैं डिफरेंट वीडियो में बताऊंगा कि कितनी सीट्स पंजाब में अवेलेबल है, वो सीट्स कितनी इस बार कम होने की संभावना है। तो पिछली बार कितनी सीट्स फिल हुई थी, तो जो अगर पिछली बार जैसा माहौल रहता है, जो कंडीशंस रहती हैं, तो घबराने की कोई बात नहीं है। लेकिन कुछ एक एनसीटी ने या यूनिवर्सिटीज ने स्टेप्स लिए हैं, इवन सुप्रीम कोर्ट के कुछ एक डिसीजन आया है, एनसीटी ने कुछ रिजिड डिसीजन लिए हैं, अगर वो इम्प्लीमेंट होते हैं तो सीट्स कम होने के चांसेस हैं। उसके अकॉर्डिंगली ये आपको देखना होगा कि आपने मार्क्स कितने लेने हैं। कॉमन एंट्रेंस टेस्ट में आप आसानी से ज्यादा मार्क्स कैसे ले सकते हैं, तो उसके लिए डिफरेंट वीडियो साथ साथ में मैं गाइड करता रहूंगा। इसके रिगार्डिंग कोई और क्वेश्चन है आप पूछ सकते हो। थैंक यू।